हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी, वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज 69,000 को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, लखनऊ खंडपीठ में कट ऑफ मुद्दे की दोस्तों जो सुनवाई होने वाली है, उस चीज़ को लेकर पल पल की अपडेट आप सभी को हमारी वेबसाइट पर दी जा रही है। साथ में दोस्तों आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही प्रोवाइड की जा रही है। दोनों का लिंक दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को कोर्ट अपडेट की तरफ लेकर के चलता हूँ। फिलहाल दोस्तों कोर्ट रूम के अंदर जो रिवाइज केसेस सारे के सारे सुन लिए गए, मतलब कि लिस्ट ऑफ फ्रेश केसेस दोस्तों सारे सुने गए, लेकिन डेली कोर्ट में जो एक दो केस पहले सुने गए थे सिर्फ उनको सुना गया। उसके बाद में एडिशनल कॉजेस को उठा लिया गया। अब से दोस्तों कुछ मिनटों के बाद में दोस्तों जो है कट ऑफ मुद्दे की सुनवाई शुरू होने वाली है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, अभी दोस्तों जो उसके बीच लंच होगा, लंच के बीच में आप सभी केस की सुनवाई होगी। लेकिन यहां पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण जो है सूचना आप सभी के सामने ये भी निकल करके आ रही है। फिलहाल कोर्ट रूम के अंदर एडिशनल कॉजेस तो चल रही है, केस नंबर 1 सुना जा रहा है और दूसरे नंबर पर आप सभी का केस लगा हुआ है। लेकिन मैं आप सभी को दोस्तों यहां पर एक और चीज बता, कल जो शिक्षा मित्रों के द्वारा दोस्तों कोर्ट रूम के अंदर, कोर्ट परिसर के अंदर जो किया गया, कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। इस चीज़ को लेकर मैंने कल रात को भी दोस्तों आपसी को वीडियो के अंदर, दो वीडियोस के अंदर लगातार आपसी को चीज़ें बताई थी कि कहीं ना कहीं दोस्तों 4,10,000 अभ्यर्थियों के साथ दोस्तों जो कहीं नुकसान हो सकता है। अगर दोस्तों वकीलों की तरफ से कोई एक्शन ले लिया जाता है, कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं नुकसान सिर्फ अभ्यर्थियों को होगा। तो पहली चीज़ दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ, शिक्षा मित्रों की जो कल गलती हुई थी, मतलब दोस्तों उनके द्वारा जो कोर्ट परिसर के अंदर हाथापाई देखने के लिए मिली थी आपस की टीम के अंदर, उसको लेकर दोस्तों फिलहाल किसी भी, अगर बात करें पैरवी काल को, जैसे शिक्षा मित्र हो गए, बीएड बीडीसी हो गए, उनको दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी उनके पास नहीं बनाएंगे, मतलब दोस्तों कोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हालांकि दोस्तों जो प्राप्त जानकारी मिल रही है वो ये है दोस्तों कि एक एक मतलब पैरवी काल मेन दोस्तों जैसे कि बीएड के एक, बीडीसी के एक, शिक्षा मित्र को एक एक 200 पर्सन को एंट्री मिल सकती है, लगभग दोस्तों एक एक पास बन सकते हैं। अन्य जितने भी दोस्तों अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँचते हैं, जैसे कि आप सभी को पल पल की अपडेट प्रोवाइड की जाती है, उन्हीं के द्वारा दोस्तों जो अपडेट ली जाती है, और हमारी तरफ से दोस्तों जो लोग पहुंचे हुए थे, कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीजें हैं वो आप सभी के सामने यहां थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि आप सभी को सारी अपडेट प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्तों वहां पे पहुंचे हुए होते हैं। लेकिन ये शिक्षा मित्रों की गलती कहीं आप दोस्तों इस चीज को लेकर जो भी आप सभी कह सकते हैं, जो कोर्ट रूम के अंदर हुआ उसको ये बाहर भी कर सकते थे, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर इस तरीके की चीजें देखने से आप सभी समझ लीजिए दोस्तों पहला नुकसान आप सभी को यहां पर देखने के लिए मिला है कि दोस्तों किसी तरीके पर्सन, मतलब कि जो भी पैरवी का है, उनको एंट्रीज नहीं दी जा रही है कोर्ट रूम के अंदर। लेकिन इसी बीच दोस्तों अच्छी बात आप सभी के लिए भी है कि आप सभी के केस की आज सुनवाई होगी। सुनवाई पर दोस्तों किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2:15 बजे से आप सभी का जो मुद्दा है वो सुना जाएगा। लेकिन दोस्तों जो आप सभी के लिए अभ्यर्थी वहां पहुंचे हुए होते हैं दोस्तों, जिनको वहां पे एंट्री आज मिलनी चाहिए थी, चाहे बीएड हो या बीडीसी हो या फिर शिक्षा मित्र हो, उनको दोस्तों आज एंट्री नहीं मिली, उनके पास आज नहीं बनाए गए, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक एक मुख्य पैरवी कार को दोस्तों आज कोर्ट रूम के अंदर भेजा जा रहा है। बाकी जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों कोर्ट नंबर 1 के अंदर एडिशनल कॉजेस सुनी जा रही है, दूसरा आप सभी का केस है। लेकिन अब से कुछ ही मिनटों में दोस्तों लंच होगा, लंच के बाद में आपसी का केस 2:15 बजे सुना जाएगा। केस पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों जो भी अपडेट है वो मैंने आप सभी को बता दिया कि कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों की दोस्तों जो कल किया गया था उसका नुकसान आप सभी को भी यहां पे थोड़ा सा फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों ये थी अभी अभी की लेटेस्ट अपडेट जो मैं आप सभी के सामने लेकर आया था। मैंने कल भी कहा था कि आप सभी शिक्षक बनने वाले हैं, इस तरीके की चीजें करके कहीं ना कहीं दोस्तों आप सभी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर दोस्तों इस पर कोई सीरियस एक्शन लिया जाता तो कहीं ना कहीं हमारे लिए और नुकसान हो सकता था। अच्छी बात यह दोस्तों आप सभी की सुनवाई हो रही है, बाकी जो भी जैसी भी अपडेट निकलेगी आप सभी तक दोस्तों प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।